हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? तो नए दिन नई सुबह के साथ मैं इंदु। और जैसे कि आज है लक्ष्मी पूजा, दीपावली, तो आप लोगों को हैप्पी दीपावली और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लाए, और गणेश भगवान, गणपति बाबा जी आपके हर संकट को, हर विघ्न को दूर करें। इसी कामना के साथ मैं आज का ब्लॉग करती हूँ स्टार्ट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, सुबह सुबह हम कर रहे हैं, थैलियों में चिपका रहे हैं ऐपण वाले जो ये होते हैं, कल लेके आए थे धनतेरस में, ये सब लेके आए थे कल, और अभी हम इनको थैलियों में लगाएंगे। ठीक, एक थैली में फर्स्ट वाली में तो लगा दी है ये, तो अभी लगा रहे हैं ये मंदिर वाले कमरे में। ये देखिए, यहाँ से दिखाते, ये देखिए, देखो कितने हिसाब से लगाते हैं सर। ये एक कोना भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इन हिसाब से कौन लगाता है यार, देखना है अभी। ये देखो, थोड़ा सा बिगड़ा तो निकाल दिया हो। और अभी ये काम तो होते रहेगा, फिर उसके बाद से हम लगाएंगे लक्ष्मी माता के पांव, क्योंकि सारा काम आज एक साथ ही करना हुआ। और अभी दिखाती हूँ मैंने मैया को, यहाँ पर मैंने मैया, ये देखो लक्ष्मी माता की पूजा मैंने कर ली है सुबह वाली, और अभी मैं लाऊंगी गन्ना, तो फिर गन्ने के साथ भी हम पूजा करेंगे। और अभी मैंने ना आसन वासन कुछ बिछाया नहीं है, अभी सर साफ ही कर रहे हैं, मतलब चीटे वीटे लगाएंगे, उसके बाद से मैं अच्छे से वो करूँगी। और ये मैंने घी का दिया, तो देखिए अभी हम ना दिन के बचे हैं 2, और हम यहाँ पर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं तुलसी माता में पेंट, क्योंकि पहले हमने सोचा था ना कि नहीं करेंगे इस बार, तो फिर अब शादी भी है दिसंबर में, हमने कहा कर ही लेते हैं। तो ऐसे कर रही हूँ मैं आम के पत्तों का, ये पहले मैं सुई में, बड़े बड़े सुई में मैंने तागा डाला, फिर आम के पत्ते को एक एक करके ये ऐसे करके इसका बन जाएगा लंबी सी तोरण माला। फिर मैं इसमें ना, ये देखिए, इसके बाद से मैं इसमें करूँगी टीका वगैरह, चंदन टीका, क्योंकि गुड़हल है नहीं, मैंने बताया भी था। ये देखिए ये पूरा बन चुका है, ये कर रही हूँ मैं टीका, एक दो पत्ते वो होके मुझे दोबारा से करने पड़ेंगे, वो पीछे की तरफ मुड़ गए हैं ना, तो अभी मैं उनको सही कर देती हूँ। सही कर दिए मैंने सब, तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ दीपावली की तैयारी में। ये देखिए मैं बना रही हूँ आम के पत्ते का तोरण, ऐसे बनाती हूँ ना, इस बार गुड़हल तो है नहीं, फिर इनको टीका चंदन पिठिया से कर लूँगी तो थोड़ा सही लगेगा कलरफुल, क्योंकि बीच में और सालों हम क्या करते हैं ना, गुड़हल का एक फूल ऐसे कर देते हैं, तो इस बार तो गुड़हल है ही नहीं हमारे गांव में, तो मैंने ऐसे कर लिया। तो देखो यहाँ पे मैंने ना एक ढेली में लगाने के लिए बना दिया तोरण, पीछे की जो मंदिर वाली ढेली है ना, बाकी आगे से तो अपने फूलों की माला लगाई है, पीछे से मैंने कहा मंदिर वाली ढेली में लगा देती हूँ। देखो ये टीका पिठिया सब कर रखा है मैंने इसमें, देखिए हो चुकी है तैयारी। अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, ये आम के पत्ते का मैंने बनाया है, इनको लगा दूँगी मैं ढेलियों में भी, क्योंकि आम के पत्ते तो ऐसे भी शुभ होते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने स्वास्थ्य भी बनाया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया ये पूरे घर में, मतलब जहाँ जहाँ है मैं सब जगह लगा दूँगी इनको। अब मैं चले गई उधर की साइड, ये देखिए ये यहाँ भी लगा दिया मैंने। अब मैं आ गई पीछे की साइड, यहाँ पर लगा दिया, आगे पीछे की ढेली में भी लगा दूँगी, यहाँ पर मैं तोरण लगाऊँगी, तो मैं लेके आती हूँ अंदर से। ये देखिए तो मैंने यहीं के लिए बनाया है ना, यहीं पर हमारा मंदिर भी है, और यहीं के लिए मैंने बनाया है तोरण।